हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय नेचर गेमिंग ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट चीज़, जो कि घर में ही हमारे दूध से और उससे फाड़ के बन जाता है, यानी रसगुल्ले। रसगुल्ले हम ज़्यादातर गर्मियों में बहुत यूज़ करते हैं। रसगुल्ले घर में ही अपन हम दूध से अपने आराम छेना निकाल कर आराम से बना सकते हैं, और बनाना बहुत ही इजी है। और चाहे जब इसको बना सकते हैं और अपने घर में फ्रिज में स्टोर करके बिल्कुल ठंडा ठंडा निकाल कर गर्मी में खा सकते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन हम गरम गरम खाते हैं गर्मी सर्दियों में, वो सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं। और रसगुल्ले हमेशा हमें गर्मियों में खाना चाहिए और खाते रहना चाहिए, क्योंकि वो तो हेल्दी रहता है, ज़्यादा मीठा मीठा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट रहता है, अच्छा रहता है और ठंडा भी। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और सीधे पॉइंट पर आते हैं कि हम आज रसगुल्ले बना रहे हैं। वो भी हम अपने दूध से छेना बनाकर उसके बाद हम रसगुल्ला बनाएंगे। देखते हैं मैं रसगुल्ला कैसे बनाती हूँ। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना और बताना मैंने कैसे बनाए हैं, और आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो दूध। ये 1 किलो दूध है, मलाई निकला हुआ दूध है, मैं घर का दूध यूज कर रही हूँ। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है, मैंने गैस पर इसको चढ़ा दिया है। दूध को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और इसकी फ्लेम भी तेज कर दी है। अब इसको हम अच्छे से उबालेंगे, यानी 1 उबाल आने तक इसको उबालेंगे। उसके बाद हम इसमें, ये मैंने विनेगर ले रही हूँ। हमें दूध को फाड़ने के लिए विनेगर लेना है। आपके पास अगर लेमन जूस रखा है, लेमन जूस हो, लेमन वगैरह हो, तो आप लेमन भी अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आप चाहें तो पानी ऐड करके डाल सकते हैं, आप चाहें तो बिना पानी का भी विनेगर डाल सकते हैं। दूध हमारा बॉयल होने लगा है, यानी थोड़ा थोड़ा गर्म भी हो गया है। दोस्तों, आप अगर आपके पास बिना गर्म किए हुए दूध, आप पैकेट का दूध, अमूल दूध, सांची वाला दूध, जो भी पैकेट वाले दूध, वो भी आप गाय का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा बंदी वाला दूध है, जो एक अंकल देने आते हैं हमें, वो वाला दूध है ये, और इसकी क्रीम निकली हुई है। दूध हमारा उबलने लगा है, दूध हमारा उबलने लगा है। अब इसमें हमें धीरे धीरे करके अपना इसमें विनेगर ऐड करना है। ये विनेगर लिया है मैंने, इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे धीरे धीरे। विनेगर इसमें ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे। दूध हमारा फटने लगा है, ये पानी ग्रीन ग्रीन सा दिखना होना जरूरी है, जब भी हमारा पूरा छेना आएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा छेना फटा है, पानी हमारा पूरा ग्रीन सा हो गया है, यानी छेना हमारा बन के रेडी है। अब इसे हम गैस को हम बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देते हैं। अब धीरे धीरे अपने छेने को हम छान लेंगे। आपके पास अगर मलमल का कपड़ा हो, कोई सूती कपड़ा हो अच्छा,
साफ धुला हुआ, तो आप उसमें भी छान सकते हैं। अगर आपके पास ये दूध वाली चलनी हो तो आप इसमें भी छान सकते हैं। इस तरह से अब इसमें पानी मिलाते जाएं आप। इसमें इसको इसका जो हमने विनेगर डाला था उसका विनेगर हमें पूरी तरह से निकालना है। इसमें हम अच्छे से पानी डालते रहेंगे जिससे हमारा कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। ये पूरी तरह से हम अपना विनेगर निकाल लेंगे इसमें से। छेना भी हमारा ठंडा होने लगा। इस तरह से इसका पानी पूरा तक निकाल लेंगे हम। पानी हमारा अच्छे से निकल चुका है। एक किलो में बस इतना सा बन के रेडी हुआ है। अब इसे पानी एकदम सूख गया है इसका, आप देख सकते हैं। पूरा नहीं सुखाना है इसे हमें। ध्यान रहे हमारा छेना अच्छे से हमें वॉश करना है, जिससे इसकी इसमें जो विनेगर या लेमन जूस हम डालते हैं उसकी खटास ना रहे, नहीं तो हमारे रसगुल्ले बिगड़ जाएंगे। छेना हमारा बन के रेडी हो चुका है। जब तक वो ठंडा हो रहा है, उसका मॉइस्चराइज निकल रहा है, जब तक हमें अपना अब इसके लिए हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। ये मैंने नाप कर एक कप चीनी ली है। अब इससे नाप कर ही हमें 4 कप इसमें पानी ऐड करना है। 4 कप ही हमें पानी इसमें ऐड करना है। इसका मेजर हमें सही से लेना है, नहीं तो हमारे छेने गड़बड़ हो जाएंगे। ये मैंने 4 मग इसका पानी ले लिया है। इसे हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम ये हमारी चाशनी हमारी पक रही है अच्छे से, हमें इसे फुल आंच पर ही पकाना है। तो चाशनी हमारी पक रही है, इसे हम ढककर पकाएंगे जिससे हमारी चाशनी जल्दी पकेगी। हमें अपने छेना हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हमें इस तरह से दोस्तों छेना हमारा चिकना हो चिकना करने के लिए पहले इसे हम अच्छे से चिकना बनाएंगे, तभी हमारे रसगुल्ले अच्छे चिकने बन बन के रेडी होंगे। इसके कम से कम 10 या 15 रसगुल्ले बन के रेडी होंगे। 1 किलो में इतने ही बनते हैं। वैसे हमारे घर का दूध होता है तो उसमें ज़्यादा बन जाते हैं। ये बाहर का दूध है या पैकेट का दूध, उससे ज़्यादा रसगुल्ले बनते हैं क्योंकि पैकेट का दूध अच्छा आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे मैं किस तरह से चिकना कर रही हूँ। इसकी सीक्रेट एक और है, उसमें हमें मैदा यानी सीक्रेट है मैदा। इसमें बस 1 टेबल स्पून हमें मैदा ऐड करना है, जिससे हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे और फूले फूले बन के रेडी होंगे। लेकिन इसको हमें हाथों से अच्छे से इस तरह से मथना है जब तक हमारा ये छेना चिकना नहीं होगा, जब तक हमारे रसगुल्ले बनके रेडी नहीं होंगे। चलो हम चिकना करते हैं इसे। डो हमारा अच्छे से चिकना हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच सेट करके मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद हमें इसे और अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से। मैदा डालने से हमारे अच्छे से बंध जाते हैं, आप देख सकते हैं। मैदा डालने के तुरंत बाद इसमें कितना और ज़्यादा चिकनाहट आ गई है। तो छेना हमारा अच्छे से
रेडी हो चुका है। अब इसके हम इस तरह से हथेली की मदद से इस तरह से रसगुल्ले बनाएंगे, इस तरह से। उसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, एकदम चिकना बनाना चाहिए। आप इससे बड़े भी बना सकते हैं, इस तरह से हम अपने सारे रसगुल्ले बना लेंगे। पानी भी मारा अच्छे से, यानी इसकी चाशनी भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। जितने हम बड़े रसगुल्ले बनाएंगे उतने हमारे ज़्यादा फूलेंगे, उतने हमारे बड़े बनके रेडी होंगे। एक चेरी साइज के भी आते हैं, आप चाहें तो उस साइज में भी बना सकते हैं, ये भी बहुत बड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे बनके रेडी हुए हैं, बस हमारे इतने ही रसगुल्ले बनके रेडी हुए हैं। इधर पानी हमारा बॉयल हो चुका है अच्छे से, याद रहे पानी हमें ढककर ही पकाना है। अगर हम पानी इससे जब जल्दी बॉयल आएगा उसमें, अब इस तरह से हम अपने सारे रसगुल्ले इसमें ऐड कर देंगे। आराम से डालना है हमें, नहीं तो हमारे ऊपर चाशनी पलट के आ सकती है। और इसको हमें सिर्फ 8 मिनट तक पकाना है। घड़ी में देखकर आप इसे डालो और सिर्फ 8 मिनट तक ही इसे पकाना है, और वो भी हाई फ्लेम पर, फ्लेम हमें हाई रखना है और इसे कवर कर देना है। सिर्फ 8 मिनट घड़ी में मिलाकर हमें 8 या 10 मिनट पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हमारे रसगुल्ले ज़्यादा फट जाएंगे। इसमें मैंने एक खड़ी इलायची डाल दी है, आप अगर स्वाद अच्छा से टेस्ट चाहते हैं तो इसमें 1 या 2 इलायची ऐड कर दें। अगर हमारे अभी 8 मिनट हुए नहीं हैं, इसे बस 3 मिनट और रहे हैं, 8 मिनट तक इसे ढककर ही पकाना है। 8 मिनट दोस्तों, 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे रसगुल्ले आप देख सकते हैं कि फूल कर कितने डबल हो चुके हैं। अब इन्हें हम 5 मिनट खुला पकाएंगे और हमारे फूल के रसगुल्ले कितने डबल हो चुके हैं। अब इनको इस तरह से हमें पलट देना है। किसी करछी और उससे नहीं पलटना है, चमचे से हमें इस तरह की वुडन स्पून से हमें इनको पलट देना है। अब इन्हें हम खुला पकाएंगे, खुले भी हमें सिर्फ 5 मिनट पकाना है। अगर आप खुला नहीं पकाना चाहें तो आप इनको और भी ढक सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी पानी इसका या चाशनी इसकी कम पड़ जाती है तो आप साइड से इसमें थोड़ा 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 करके पानी ऐड कर सकते हैं, वो भी गरम। दोस्तों रसगुल्ले हमारे इस तरह से बनके रेडी हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें हम जो गुलाब आता है उसकी पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, और आप चाहें तो इसमें केसर की इस तरह से पत्तियां इसमें ऐड कर सकते हैं। गार्निश के लिए 1, 2, 4 पत्ती इस पर ऐड इस तरह से लगा सकते हैं। बन गए ना एकदम स्पॉन्जी रसगुल्ले। इस तरह से दोस्तों अपने घर में कभी भी आप आराम से एकदम सिंपल तरीके से रसगुल्ले बनाएं और अपनी फैमिली वालों को खिलाएं, रोज़ खिलाएं, और इन दिनों तो बनाना चाहिए जरूर, और अपने बच्चों को और सब फैमिली में सब लोगों को आराम से खिलाना चाहिए, और ठंडे ठंडे और कूल कूल
और हमारा इससे दिमाग भी फ्रेश रहेगा और हम लोग भी अगर हम इस तरह से चीज़ें अपने घर में रेगुलर बनाते रहेंगे तो हमारे फैमिली वाले भी हमसे बहुत खुश रहेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।